स्वयंभू कैंप राम टेकड़ी के मैदान में नवरात्रि की झांकी में शिरडी के साई बाबा और साई मंदिर बनाया गया है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ मची हुई है। जिसके आयोजक समाज सेवक और एनसीपी नेता विजय भोसले ने बताया कि यहां पर हर साल नवरात्रि में अलग अलग झांकी बनाई जाती है। इस प्रकार हुबहू शिरडी को मुंबई में लाने की कोशिश की गई है। हम लोग 18 साल से मना रहे और हर टाइम नया नया थीम रहता है हमारे इसमें। कभी माँ लक्ष्मी मंदिर, कभी वैष्णो देवी, कभी अम्बरनाथ, कभी केदारनाथ। तो ये ऐसे टाइप के हर टाइम हर नए नए थीम रहते हैं। इस टाइम हमने प्रति शिरडी कॉपी ऑफ शिरडी मतलब सेकेंड शिरडी यहाँ पे बॉम्बे में बनाया है। ये पूरा 15 दिन लगा इसको काम करने के लिए, लेकिन इसमें ज़्यादा करके हमारे मंडल के जो टीम के जो सब सदस्य है उन्होंने काफ़ी मेहनत की। दिन रात कड़ी मेहनत के बाद ये सेट कंप्लीट हो गया है। नवरात्रि एक ऐसा प्रोग्राम है कि जहाँ पे कोई जात भेद नहीं होता, यहाँ पे सब तरह के लोग आते, खेलते, डांडिया करते और निकल जाते हैं। लेकिन उससे भी अच्छा हमको जब लगता है जब कोई हमारा ये जो लगा हुआ जो सेट है इसकी तारीफ करते। काफ़ी लोग लंबे, कई पुणे से आते, कोई कल्याण से आते, काफ़ी लंबे से लोग आते रहते, तो उसमें हमको दिल को खुशी मिल जाती। सुरक्षा काफ़ी है, पुलिस स्टेशन से हमारे जो यहाँ के सीनियर पिया है मिस्टर देसाई साहब, उन्होंने काफ़ी कम से कम 8 से 10 पुलिस वाले दिए हुए। उसमें लेडीज़ कांस्टेबल है, जेंट्स कांस्टेबल है, काफ़ी तरीके से। और हमारे मंडल के जो टीम वर्क है वो काफ़ी अच्छे एक्टिव है।